हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन विद साहिल धर्म। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे विश्व की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादक देशों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो कि 8 अप्रैल को रखा गया है, ये जो डेट रखी गई है अभी फिक्स नहीं है, तो ये 8 से 15 के बीच में ये हो सकती है अभी जो संभावित तिथि रखी गई है। तो इसके लिए मैंने यूपी बीएड से रिलेटेड हिंदी एंड जीके के क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करूँगा विश्व की प्रमुख एवं फसलें उनके उत्पादक देशों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है चावल। सबसे पहली फसल है हमारी चावल। तो चावल की सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है चीन, उसके बाद है भारत, अपना देश भारत। सबसे फर्स्ट बात की जाए तो चीन है, चावल का इम्पोर्टेंट है, आपसे चावल का ही अधिकतर पूछा जाता है। उसके बाद है ऊन। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है चीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। गेहूं की बात करें तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है चीन, उसके बाद है भारत। चावल गेहूं का आपको याद रखना है, दोनों का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है। उसके बाद है चीनी। चीनी का सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, उसके बाद भारत। उसके बाद हमारा मक्का। मक्का का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादक करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। उसके बाद है हमारा दूध। दूध का सबसे अधिक उत्पादक देश है भारत, उसके बाद है अमेरिका। तिलहन की बात करें तो तिलहन का सबसे अधिक उत्पादक देश है ब्राज़ील, उसके बाद है चीन। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी सबसे अधिक उत्पादन ब्राज़ील करता है, उसके बाद कोलंबिया। उसके बाद मूंगफली की बात करें तो चीन सबसे अधिक उत्पादन करता है, उसके बाद अपना देश भारत सबसे अधिक उत्पादन करता है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू सबसे अधिक उत्पादक देश है चीन, उसके बाद है भारत ब्राज़ील। कपास की बात करें तो कपास का सबसे अधिक उत्पादक देश है चीन, उसके बाद है भारत। बाद है जौ। जौ की बात करें तो जौ का सबसे अधिक उत्पादक देश है रूस, उसके बाद है कनाडा। सोयाबीन की बात करें सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है चीन। चाय की बात करें तो चाय के सबसे अधिक उत्पादन देश है चीन, उसके बाद है भारत अपना देश। उसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा है? ब्राज़ील, उसके बाद है वियतनाम। कॉफ़ी का आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें। उसके बाद है रबर। रबर का सबसे अधिक उत्पादन देश है थाईलैंड, उसके बाद है इंडोनेशिया। गन्ना की बात करें तो गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन देश है ब्राज़ील, उसके बाद है भारत। उसके बाद नारियल। नारियल की बात करें तो नारियल का फर्स्ट इंडोनेशिया, उसके बाद है फिलीपींस। तो दोस्तों ये थे कुछ देशों के प्रमुख फसल और उनके उत्पादक देशों के नाम। वीडियो अगर आप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल में, अगर आप हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।